हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ HP के गेमिंग माउस M150 का। सो इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग बॉक्स की बात करते हैं तो सामने की तरफ यहाँ पे हमें गेमिंग माउस का एक फोटो देखने को मिल जाता है। देन नीचे यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस है। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो HP की ब्रांडिंग है। देन यहाँ पे कुछ और एडिशनल स्पेसिफिकेशंस दी गई है। पीछे यहाँ पे वारंटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। एंड यहाँ पे जो प्राइसिंग मेंशनड है वो है 712 रुपीज़, बट ये आपको 500 के अंदर मिल जाएगा अमेजोन में। तो आप नीचे दिए हुए लिंक से इसे परचेस कर सकते हैं। तो हम बॉक्स को जल्दी से ओपन करते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे माउस जो है मिल जाता है कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में। देन यहाँ पे कुछ पेपर वर्क दिया गया है। तो माउस जो हमें ऐसी पैकेजिंग में मिलता है तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि माउस यहाँ पे जो फर्स्ट इंप्रेशन है, आप देख सकते हैं प्लास्टिक बिल्ट है यहाँ पे माउस की, जो एक्चुअली काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है यहाँ पे। देन यहाँ पे ब्लू एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है। देन USB पोर्ट है यहाँ पे, जिसे आप अपने लैपटॉप या PC में कनेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे माउस के ऊपर की तरफ हमें राइट एंड लेफ्ट क्लिक देखने को मिल जाता है। जैसे एक स्क्रॉलिंग बटन है और एक DPI बटन है यहाँ पे, जैसे हर गेमिंग माउस में हमें मिल जाता है। देन HP की एक ब्रांडिंग है। तो एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं हमें दो बटन्स मिल जाते हैं जिसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। पीछे यहाँ पे एक सेंसर दिया गया है एंड यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह मेंशनड है। एंड यहाँ पे जो है चारों तरफ ग्रिप्स दिए गए हैं माउस में, तो आपका माउस जो है ज़्यादा स्लिपरी ना हो। अगर मैं माउस के ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ एंड डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है अपने प्राइस के लिए। यहाँ पे जो क्लिक्स है काफ़ी टैक्टाइल है, काफ़ी स्मूथ है यहाँ पे स्क्रॉलिंग बटन भी। एंड यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो कीज़ दिए गए वो भी काफ़ी एक्यूरेटली वर्क करते हैं। देन यहाँ पे जो माउस का वेट है वो काफ़ी एक्चुअली लाइट वेट है। इसका जो एक्चुअल वेट है वो बॉक्स पे यहाँ पे मेंशनड है, जो है 90 ग्राम्स के अराउंड। यहाँ पे जो इसकी वायर की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे जो सेंसर दिया गया है वो भी काफ़ी एक्यूरेटली वर्क करता है। मैंने इसे यूज़ किया है बहुत दिनों तक, फिर मैं यहाँ पे इसे रिव्यू कर रहा हूँ। तो एक्चुअली इसकी जो बिल्ड क्वालिटी एंड जो एक्यूरेसी है काफ़ी हद तक अच्छी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बेस्ट गेमिंग माउस है, बट अपने प्राइस के लिए ये सबसे अच्छा गेमिंग माउस है। अगर आप एक गेमिंग माउस खरीदना चाहते हैं तो आप ये खरीद सकते हैं 500 के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।